व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज दिनेश अतुरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अभी तक हमने यार बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और तरह तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये सब हमने जाना था। ठीक है, तो एक अलग टाइप का जो ऑपरेटर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका मतलब होता क्या है, तो आप इसके नाम से समझिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आप पर्टिकुलरली किसी दो ऑब्जेक्ट या किसी वेरिएबल को देख रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं कि क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल हैं कि नहीं है। सिंपल सी भाषा में आप इसको इस तरीके समझिए कि आइडेंटिटी देख रहे हैं कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, कोई दो वेरिएबल। ठीक है, तो इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इसका होता है आप बोलेंगे इज, मतलब किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर इज लगा होगा तो आप बोलेंगे ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, या आप बोलेंगे इज नॉट। तो अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में इज लगा होगा या इज नॉट लगा होगा तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अब इनको यूज कैसे करना है, तो अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, वेरिएबल्स को देख रहे हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो इसके ना दो तरीके होते हैं यूज करने के, कहां पे आपको इसको यूज करना है आप सबसे पहले इसको जान लीजिए। तो सबसे पहले मान के चलिए आपने लिखा वेर 1 इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं आपको ये चेक करना है क्या ये वेरिएबल, इसका टाइप क्या है। तो आपको पता है, देखने से आपको समझ में आ रहा होगा इसका टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये एक इंट टाइप का है, करेक्ट, आपको ये बिल्कुल क्लियर है अभी पिक्चर। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग को आप कैसे बताएंगे, पाइथन प्रोग्राम से ये कोड कैसे लिखेंगे क्या ये एक इंटीजर है, तो आप बोलेंगे टाइप ऑफ वेर वन इज इंट। ठीक है, तो अगर आप ये बोलेंगे पाइथन को, ये एक लाइन का कोड अगर आप लिखेंगे, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन बोलेगा अच्छा बीच में आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा हुआ है, तो मुझे चेक करना है जो भी वेरिएबल वन का टाइप है, यानी कि डेटा टाइप है जो कि एक इंटीजर है, इंट इज इंट, क्या ये दोनों इक्वल हैं। ऑब्वियसली इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा आपको, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा होता है किसी आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करने के लिए। अब अगर आपको चेक करना है क्या टाइप ऑफ वेर वन इज नॉट बूलियन, क्या वो बूलियन तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये भी आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहां पे आप इज नॉट का यूज कर लिया आपने, तो ये आपको एक कंडीशन हो गई कि जहां पे आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको टाइप चेक करना है हम कि क्या इसका टाइप स्पेसिफिकली इंटीजर है, बुलियन है, फ्लोट है, या कुछ भी है। ठीक है, दूसरा इसका यूसेज कहाँ पे है, ये फर्स्ट यूसेज था। सेकंड यूसेज होता है, अगर मैं आपको बताऊं इसका सेकंड यूसेज कहाँ पे होता है, तो आप मान के चलिए कि आपने एक नम वन लिया इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपको पता है पाइथन पीछे से क्या करता है, पाइथन बैकएंड पे क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है, एक आईडी एलोकेट कर देता है जिसके अंदर 10 मेमोरी में यहाँ पे डाल देता है, और इसको नम वन एक वेरिएबल का नाम दे देता है। ठीक है, तो बाद में ताकि मैं जब भी इसको इन्वोक करूं तो मुझे इस आईडी पे ये वाली वैल्यू मिल जाए। पाइथन ऐसे काम करता है हमेशा, आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया नम वन इक्वल टू 10। अब आपको ये चीज देखनी है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट इसकी आईडी क्या है नम वन की, तो मान के चलिए इस नम वन की आईडी यहां पे कुछ भी आती है। ठीक है, कुछ भी आ जाती है, मान के चलिए 1000 आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, नम वन जो एक नया नम टू वेरिएबल बनाता हूं और उसमें नम वन की वैल्यू असाइन कर देता हूं, यानी कि नम वन में जो अब वैल्यू है वो नम टू में चले गई। ठीक है, अब मैं प्रिंट आईडी करता हूं नम टू की, तो मैं देखता हूं अगर वो 1000 है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है कि ये भी इस वैल्यू, ये जो इसकी आईडी है ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, अब मुझे चेक करना है क्या ये दोनों नम वन और नम टू इक्वल है, इनका जो ये ऑब्जेक्ट है वेरिएबल, जो इनका ऑब्जेक्ट है ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं कैसे चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा नम वन इज नम टू, ऐसे चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आईडी चेक कर रहा है बैकएंड पे, आप इसको ये मत समझना कि ये वैल्यू चेक कर रहा है, ये आईडी चेक कर रहा है क्या इनकी लोकेशन सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पे ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इनकी मेमोरी के अंदर लोकेशन सेम है तो। ठीक है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब एक बार सीबीएसई की बुक्स में चल लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो सिमिलरली इज नॉट, आपको पता है कि इज नॉट, अगर मैं इज नॉट लगा दूंगा यहाँ पे तो ये बोलेंगे क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इनकी लोकेशन इक्वल नहीं है,
मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नम वन ऑब्जेक्ट की, कि मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या है इनकी, नम टू की मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या है, क्या ये सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मुझे अभी आपने देखा होगा पहले हमने क्या देखा था कि अगर मैं नम वन इक्वल टू नम टू करता हूं तो ये मेरी ये मेरा क्या चेक करता है हमेशा, ये मेरा चेक करता है क्या इसकी वैल्यू यानी कि 10 इक्वल टू 10 है, तो ये चेक करता था पहले। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू चेक कर रहा है, ये वाला ऑपरेटर वैल्यू चेक करता था, लेकिन जब मैं बीच में इज लगा देता हूं तो ये मेरा लोकेशन चेक करता है कि क्या ये सेम लोकेशन पे है कि नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज को लेके। तो अभी मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूँ सीबीएसई की बुक में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ऑफ सर्टेन टाइप और नॉट। तो जैसे मैंने आपको पहला यूज केस बताया कि किसी वेरिएबल का टाइप अगर आपको जानना है कि क्या वो इंट है या नहीं है, या वो बूल है या नहीं है, तो आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करेंगे, बीच में इज या इज नॉट लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रू या फॉल्स आपको मिल जाएगा। सेकेंड होता है ऑपरेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। तो दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट लोकेशन पे टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए भी आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख लेंगे इज ऑपरेटर है, तो यहां पे एक नम वन मैंने जैसे लिया है और इसका टाइप चेक कर रहा हूं क्या वो इंट है, तो उसने ट्रू दे दिया। फिर मैंने वही नम वन जो है असाइन कर दिया नम टू में, और आईडी प्रिंट करा के देखिए दोनों की, तो सेम आईडी प्रिंट हो रही है, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या नम वन इज नम टू, ऑब्वियसली है क्योंकि दोनों सेम आईडी लोकेशन पे प्रिंट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं पाइथन के अंदर, तो लेट्स अज्यूम मेरा नम वन इक्वल टू 10 है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे नम वन इक्वल टू 10 है, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज माय टाइप, टाइप ऑफ नम वन। ठीक है, तो आपको पता है इंटीजर है लेकिन पाइथन को नहीं पता, तो आप पाइथन से पूछ, पाइथन से बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को बताओ कि भाई इसका टाइप जो है वो इंटीजर है कि नहीं है वाकई में, तो आपने बोला इंट। ठीक है, टाइप वन ऑफ नम इज इंट, तो आप एंटर करेंगे तो पाइथन ने आपको ट्रू ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहां पे आप बोलेंगे पाइप टाइप ऑफ नम वन इज नॉट इंट, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या इंट नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, इंट है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये नम वन जो है एक इंट है, तो लेकिन आप चेक कर रहे हैं इज नॉट इंट, ऑब्वियसली इट्स अ इंट, इसलिए फॉल्स आंसर आया। अब मान के चलिए मैंने दूसरा यूज केस पकड़ लेता हूं जहां पे मैंने नम टू एक नया वेरिएबल बनाया, वैल्यू उसमें मैंने नम वन की असाइन कर दी। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरा नम वन इज, और नम वन जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है नम टू के, तो ऑब्वियसली इक्वल है इसलिए आंसर ट्रू आया, क्योंकि ये सेम लोकेशन पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप आईडी देखेंगे नम वन और आईडी देखेंगे अगर आप नम टू की, तो आप देखेंगे दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों अगर आईडी इक्वल है इसीलिए ये नम वन इज नम टू है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमने पहले देखा था वहां पे हम क्या करते थे, नम वन इक्वल टू नम टू चेक करते थे, तो जब इक्वल टू की बात आ जाती है तो ये इनके अंदर की पड़ी हुई वैल्यू को चेक करता है, यानी कि क्या 10 बराबर 10 है, लेकिन अगर बीच में इज लगा दिया है तो इसका मतलब ये आईडी चेक कर रहा है कि मेमोरी में क्या लोकेशन है। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, और इज नॉट ऑब्वियसली इज का उल्टा इज नॉट हो गया, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे नम वन इज नॉट नम टू, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये आईडी और ये आईडी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये आंसर ट्रू होना चाहिए, लेकिन आपने इज नॉट लगा दिया है तो पाइथन बोलेगा भाई फॉल्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और आपको जगह जगह पे इसका यूज पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वहां पे आपको प्राइस आ रहा है, ठीक है, आपके डेटाबेस से प्राइस आ रहा है आपके पास, तो आप बोलेंगे कि क्या ये प्राइस फ्लोट में है, क्या इस प्राइस का डेटा टाइप गलत तो नहीं है, क्या पता ये ट्रू हो या कोई कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो आप वहां पे ये टाइप चेक करते हैं। ठीक है, इसको टाइप चेकिंग भी बोल देते हैं कभी कभी, कि आप टाइप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए यार, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें अपने पास, और प्रैक्टिस करने से यार चीजें समझ में आएंगी, किसी भी जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है,
और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो डजेंट मैटर, आप अगर अभी छोटी क्लास में हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार आप वो भी पढ़ें, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी जब आप पाइथन में हैंड्स ऑन होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल द टाइम थैंक यू।